एंड बोला ना बाहर बहुत गिड़गिड़ गिड़गिड़ रहा था, थोड़ा माइक एडजस्ट कर लेंगे नेक्स्ट टाइम पे। अपना मोस्ट अवेटेड एक्सेसरी आ गया है, वो एक्चुअली कल रात में आया था, उतना मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, दन 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 बोल के निकाल दिया वो वीडियो, लगा निकाला अनबॉक्सिंग का, वो वीडियो अभी देखो और इंस्टॉलेशन अभी कर देंगे। ठीक, बहुत हेवी मेटल लगा। एंड देखे ना जो अनबॉक्सिंग वीडियो कल रात में करा था, एंड इधर ही चाहिए अपना सामान, एक बैक रेस्ट आया, एडजस्टमेंट्स भी आया इसमें, एंड अपना टॉप रैक। इसको फटक से अपन ही करते हैं, कैसा करना है देखिए। एंड इसको टूल बॉक्स जाना और टू स्क्रूज बाहर आ गया, एंड फिट करने के टाइम पे बहुत टाइट फिट करना, क्योंकि वो पूरा अपना टॉप बॉक्स रहता ना उसके ऊपर ही वेट रहता, सो टाइट फिट करना चाहिए। फाइनली आ गया। Minimals. This is the main thing, you should fit like this, क्योंकि इस पर टॉप बॉक्स बैठने वाला है ना, तो ऐसे ही फिट करना चाहिए। एंड सेटिस्फेक्शन है, ये जो पीछे का पार्ट मेरे को अच्छा नहीं दिखता ना, कवर हो गया, एंड उसके बाद ऐसे करना है।
वी आर फिक्सिंग इट परमानेंटली, सो बहुत टाइट रहना चाहिए क्योंकि अपन पीछे कौन तक बैठते ना मम्मी ऐसा बैठे जब पूरा मेन पीछे प्रेजर पूरा इधर ही गिरता तो इट हैज़ टू बी टाइट एंड सिक्योर्ड. ये ऊपर का क्यों हिल रहा पता है, जो एडजस्टमेंट है ना यहाँ पर इसलिए. अभी गाड़ी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एक बार बैठ के तो देखेंगे बस. ये दो स्क्रूज मंगाने लगे हैं, वो थोड़ा लंबा था और यूज़ नहीं हुआ. एक गलती क्या करा बोला तो पेंट डाला उसको, पेंट डालने से अभी थोड़ा मोटा हो गया, जाने के लिए मुश्किल हो रहा है. यहाँ पर भी डाल देंगे, जरा एक बार बैठ के देखेंगे. पीछे तो कभी भी गाड़ी पे नहीं बैठा था मैं, बहुत पसीना आ रहा है. ये क्या है बोले तो मम्मी का नाइटी है. चले जाना. हाँ ऐसा बैठते ना. वाव क्या दिख रहा है. पीछे बैठे वाले को महाराजा का इफेक्ट रहेगा फीलिंग. देखो उस सूटकेस से ना, उसमें पूरा टूल्स है. एक बार तो हमारे टेक्नीशियन को देंगे गाड़ी, उसको गाड़ी चला बोल के अपन पीछे एक बार आराम करेंगे. ऐसा क्या अच्छा है, क्या रेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है. वाह चलो. एंड फाइनली एक बाकी था वो भी फिट कर लिए, और एक ऑर्डर करा था वो अगले वाले ब्लॉग पे आ जाएगा. एंड बहुत अच्छा दिख रहा है. एंड एक ही एक कमी है, इसके ऊपर बैठने वाला टॉप बॉक्स. एंड कम्प्लीटली फुल्ली लोडेड है. फुल्ली लोड होने के बाद से जब एक रिव्यू करूँगा, 3000 किलोमीटर्स भी कम्प्लीट कर लिए ना अपन. ये ब्लॉग बस यहाँ तक ही लगाते हैं. इसी के साथ मैं निकल सा वो आप सबसे विदा लेता हूँ अपने अगले ब्लॉग पर. तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, राइड सेफ. जय हिंद. कितना अच्छा है देखा. पीछे बैठने वाले को तो सुकून जबरदस्त मिलेगा. चल बाय.